उत्पम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। पहले दाल चावल को भिगोएंगे, फिर उसको पीसेंगे, फिर उसको फर्मेंट करेंगे। लेकिन आज हम इंस्टेंट उत्पम बनाएंगे। उत्पम हम सूजी से बनाएंगे, लेकिन ये इतना सुपर डिलीशियस बनेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये किस चीज़ से बना है, और ये क्रिस्पी भी बहुत होगा। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए उत्पम बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मल्लिका खुराना हेल्दी रेसिपी होम में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे और उसमें सूजी डालेंगे। 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से बाइंडिंग आती है और साथ में टेस्ट और बढ़ जाता है। 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। क्रिस्पी तो ये सूजी से भी हो रहा है, लेकिन चावल का आटा डालने से टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। 1 कटोरी दही डालेंगे। दही डालने से सूजी में सॉफ्टनेस आएगी। आप कोई भी सूजी का बैटर बना रहे हो, उसमें आप दही ज़रूर ऐड करिए, टेस्ट और बढ़ के आता है। दही वाली कटोरी में ही थोड़ा सा पानी डाल के भी ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर थोड़ा थिक है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। रेस्ट करने से सूजी फूल जाएगी। 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए सूजी फूल गई है और बैटर थिक हो गया है। तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें फ्लोइंग चाहिए। इसे बहुत थिक भी नहीं करना और बहुत थिन भी नहीं करना, पतली भी नहीं करना। ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और साथ में 1/2 टीस्पून राई। राई की जगह आप मस्टर्ड सीड भी ले सकते हैं, और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजेस को भी हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। वेजेस में हमने कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लावर, टोमेटो और अनियन लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। तवे पे हम ऑयल डालेंगे और ब्रश से फैला लेंगे। लैडल भर के बैटर लेंगे और तवे पे डाल देंगे। कलछी की हेल्प से घुमाते हुए इसे फैला लेना है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसके ऊपर हम वेजेस लगाएंगे। वेजेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। पलटे की हेल्प से वेजेस को दबाएंगे ताकि वो स्टिक हो जाएं। थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी लगाएंगे और साइड पे भी। पलटे को चारों तरफ घुमाते हुए इसे पलट लेंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। आ रहा है ना मुंह में पानी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, किसी टाइम भी बना सकते हैं। इवन आप टिफ़िन में डाल के भी दे सकते हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं। हेल्दी, टेस्टी, कलरफुल उत्पम रेडी है। इसे हम डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखेंगे। प्लेट में रखने से ये सौगी सौगी हो जाएगा, तो इसे किसी जाली पे रखेंगे। अब हम नेक्स्ट उत्पम भी बना के तैयार कर लेते हैं। इस उत्पम को आयरन तवे पे बनाना भी बहुत ईजी है। ऑयल डाल के फैला लेंगे और बैटर डाल देंगे। बैटर को भी फैला लेंगे और वेजेस डाल देंगे। पलटे की हेल्प से वेजेस को दबाएंगे, ऑयल डालेंगे और पलट लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है और कितना इजीली बन गया है। इसे भी टर्न कर लेते हैं। वाओ, हेल्दी, टेस्टी, यमी, सुपर डिलीशियस रवा उत्पम रेडी है। लेकिन इसे टेस्ट करके कोई नहीं बोलेगा कि ये सूजी से बना है। आप इसे किसी भी चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप भी उत्पम बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।